देखिए राइट नाउ मेनोर सिटी पुलिस स्टेशन पे है ये। कल रात में जो है राम मंदिर सर्कल के ऊपर जो है जो फरताबाद से 3 बैल लेके आ रहे थे एक टाटा एस में, वो गाड़ी को सीज किया गया है और जानवरों को भी सीज किया गया है। ये बताया जा रहा है मैं पुलिस स्टेशन आने के बाद कि इट इज़ नॉट कि पुलिस इसमें इन्वॉल्व नहीं था, इसको वेटरनरी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने जो है गाड़ी रोका और गाड़ी रोककर ये जो है हमारे पास लाके केस किया है। सबसे पहले मैं ये बता दूं ये सबसे बड़ा ब्लंडर है वेटरनरी डॉक्टर्स का या वेटरनरी डिपार्टमेंट का। ये ऑलरेडी परचेज रिसिप्ट हैं, पशु महाराटा चिट्ठी, इट मीन्स कि ये कैटल परचेस करके पंचायत के डॉक्यूमेंट्स के साथ जो फिरोजाबाद के पास से लेके आए थे जानवर को, वो लेके जो जानवर आ रहे थे सिटी में राम मंदिर सर्कल के पास रोका गया। अब ये बड़ा एक शॉकिंग सा है, मैं अभी वेटरनरी डिप्टी डायरेक्टर को, वेटरनरी के तकरीबन ऑफिसर्स को बात किया और पुलिस ऑफिसर्स को बात किया, उनका ये बोलना है कि भाई देर इज़ नो परमिट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ये लोगों को शायद इंडिया में कानून क्या चल रहा है ये लोगों को ऑफिसर्स को पता नहीं है। देर इज़ ए क्लियर डायरेक्शन ऑफ अलाहाबाद हाई कोर्ट, नो परमिट रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ काउ और इस प्रोजेनी। मतलब ये है कि गाय है या गाय के साथ के जुड़े हुए बैल वगैरह जो भी हैं इनको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन परमिट का ज़रूरत नहीं है, ये क्लियर हाईकोर्ट का डायरेक्शन है। मतलब क्या हाईकोर्ट जो अलाहाबाद हाईकोर्ट बोल रही हो क्या इंडिया के बाहर है? चाहे वो गुलबर्गा डीसी का ऑर्डर है या जिस किसी डिपार्टमेंट का ऑर्डर है, ये ट्रांसपोर्टेशन रिसिप्ट के ग्राउंड पे रोकना ये टोटली इलीगल है, क्योंकि कानून दो नहीं है इंडिया में, कानून सब जगह एक ही चलता है। जब हाईकोर्ट का डायरेक्शन है तो ये जानवरों को पकड़ के जिस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट हो या वेटरनरी डिपार्टमेंट लेके गए हैं ये इलीगल है। हम इनको कर्नाटका प्रांत रहित संघ से क्लियर कर रहे हैं कि अगर कल सुबह तक ये जानवर रिलीज नहीं हुए तो चाहे वो वेटरनरी डिपार्टमेंट है, चाहे डीसी ऑफिस है, चाहे एसी ऑफिस है और वो विच एवर डिपार्टमेंट इन्वॉल्व इन दिस इलीगल एक्ट, हम इनके ऑफिसर्स के सामने धरना करेंगे। और रहा सवाल जिस तरीके से अभी 2-4 दिन से जो हलचल चली है गौ रक्षा के नाम पर, ये सबसे पहले नॉनसेंस बंद करना चाहिए जो गौ रक्षा की बात कर रहे हैं। इस देश में सबसे बड़ी गौ भक्षक जो बैठी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट है, जो सालाना लगभग 4 लाख करोड़ का बीफ एक्सपोर्ट कर रही है। अगर ये गौ रक्षक हकीकत में गौ रक्षक है तो सबसे पहले ये बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ धरना करके बीजेपी गवर्नमेंट से जो बीफ एक्सपोर्ट कर रही है इसको रोकें। ये गौ रक्षा के नाम पे क्रिमिनल एक्ट करना बंद करें। खुद मोदी जी ने कहा है, याद रख लें सारे गौ रक्षक दिन के क्रिमिनल, रात में गौ रक्षक बन के फिरते हैं। तो मतलब मोदी जी भी ने कहा है क्लियर कट, ये गौ रक्षा के नाम पे ये क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं, ये सारे क्रिमिनल्स हैं। अगर इसको जिस तरीके से हैंडल करना है पुलिस हैंडल नहीं करती है तो कर्नाटका प्रांत रहित संघ फिर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में इसको बड़ा मूवमेंट लेके खड़ा रहेंगे हम। वो चाहे कोई स्वामी खड़ा रहे जो भी कहे, शंकराचार्य का कहना है कि इस देश में सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर, बीफ खाने वाली कोई सरकार बैठी है तो बीजेपी सरकार है। ये न्यूज मीडिया में उठा के देखें, शंकराचार्य से बड़ा तो कोई स्वामी नहीं होगा जो आके कोई बात कहे। अगर कोई क्रिमिनल स्वामी उठ के कुछ गुलबर्गा में कम्युनल एजेंडा लेके हेट मंगरिंग करता है तो फिर उसके खिलाफ भी लीगल स्टेप्स और लीगल एक्शन लिए जाएंगे। और हम आज जो इशू के लिए यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन पे खड़े हैं, ये जो 3 कैटल जो सीज किए गए हैं, जो गाड़ी के साथ किए गए हैं, वो गाड़ी और ये 3 कैटल इमीडिएट रिलीज होना चाहिए, बिकॉज देर इज क्लियर डायरेक्शन फ्रॉम हाई कोर्ट ऑफ अलाहाबाद, नो परमिट रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ काउ एंड इट्स प्रोग्नी। मतलब चाहे वो गाय है, गौ के साथ वंश के जुड़े हुए जो भी जानवर है उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई परमिट की जरूरत नहीं है। तो अब ये परमिट का सहारा लेकर जिस तरीके से गरीबों को, कारोबारियों को, किसानों को, कृषि कुलीकार को जो हराश करने की हरकत कर रहा है, बीट डीसी ऑफिस, बीट पुलिस डिपार्टमेंट, बीट वेटरनरी डिपार्टमेंट, ये एक्ट ये लोग रोकें, नहीं तो कर्नाटका प्रांत रहित संघ फिर यहां से हम कल से ही बड़ा धरना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।